वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग किटी कोड़ी में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली राजपाल यादव के कॉमेडी सीन्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया ये बहरा है? बहरा फिर भी सुन रहा है? बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा 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 जब्बा, देखो क्या बोला, इसको सुपर चाहिए, ये बहरा के साथ गंदा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुख का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा खाता है, दबा दबा के खाता है, ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया मुका पटा। ए किधर से आया तू, तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार का पूछ। ठीक है, तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है, सूप नहीं घर बार। बुड़बक खाने पीने की बात करता रहता है, अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गांव कुआं कुआं पानी, तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है। हा? जबा जबा, कौन सी जगह है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी किधर किधर? हाँ मालिक, रत्न रत्नागिरी रत्नागिरी। गलत समझाया था, मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कॉल कॉल काटा। ए मालिक समझ पूछो इससे, नहीं तो काटा लगा मुझे। ये तो क्या करूं, क्या करें? इसे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? बोरी बंदर बोरी बंदर। निका चौंडी समझा, पूरे बच्चों पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा, बेवकूफ नाव आगे जा रही है। गई नाव पानी में, पर मुझे नाव लेके जा रहे। पानी पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहां भी कदम रखता है पानी के साथ। मैं तुम्हारा मालिक। नाव चला मालिक, बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। ए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बोट वापस मिलेगी? नक्की। और मेरा पैसा? ओ, उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का। सबके सामने? हाँ। चलो 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 चलो। माँ आशीर्वाद दे तेरे बेटे को, पछाड़ कर आशीर्वाद दे। ये
मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मलिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आप क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन कर आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। इससे मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल शीतल अभी पता चलेगा। शीतल दो काम के शीतल निकली। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। अरे गले से पकड़ लो उसको। हाँ पकड़ उसको। पागल बना रहे हैं सबका। चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। भाई सुनोगे मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मिलने बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नेटवर्क झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे? तुम्हीं ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं, नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा तेरे को। तुम दोनों में से पूरा देखा। पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। उल्टा हो गया भाई, इतने सारे जूते। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो। ओ भाई और आ गए। और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाठा, तू का कलेक्टर बनने वाला जो थाना बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। बेचारे को जूते ही जूते। मैं बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खस 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 के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? कपड़े कपड़े। मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? लहंगा। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको 15-16 जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेटो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, नथी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नथी क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। मिठाई में क्या था? क्या बोलते गुजराती में? घुंगरा। घुंगरा 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 घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कुछ नहीं हो सकता, इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तुम उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना, उठ जाके कपड़े दो। क्या अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ। शु काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शु शु शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? घाघरो ने चोली? हाँ घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना। जो ये छे जो ये छे जो ये छे, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। मांगू छू।
तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। प्राणी जब बैठा डरा। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। तो मारा वहाँ भी मारा। रोता क्यों आपका ही मां जाना। हाँ यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले प्लेट ले दो। कैसे रोटी है। ये किस जानवर की चमड़ी नहीं चबाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं, इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? अचार जोइए छे। हां जोइए छे। आले चार, एक, बे, तीन, चार। ये क्या है? छः, पांच, छः। ओ भाई, बेचारा। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। गंदा सा। आरी मिलेगी काटने के लिए। शुक्र है बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा तो तुम्हें 5-star होटल से खाना लाके दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आपके नीचे कैसे लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। जरा अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। गूंगे मैं तेरा भाई हूँ साले। गूंगे ऊपर चले गए। संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अभी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू क्या हुआ? ओ साबू मैं कह रहा था, टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा तो ये है श्रुति का पति? तू मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीबी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या बनियान से शादी करेगा तू? वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। ए, क्या मारा था? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में चिल्ला बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। Hey, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते। नमस्ते मोहन। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूं मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी। क्या बोल रहा है? अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ, पति 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 काय का पति और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे साले, साले साले मछली काट, सुअर की तुम, चिलिया का मुंह साले, धोखेबाज, अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना दोस्त। अच्छा मेरी बात सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ तू। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया, ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। छोड़ दिया? मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो, बाहर कपड़े रखे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगे? कितनी ज्यादा फनी सीन्स थे इसमें,
देख देख के हंसी आती है, इसको रोटी कौन सी खाने को मिलती है, मोटी मोटी उसे खाई भी नहीं जाती, बेचारे को पूरा जूता दे देते हैं साफ करने के लिए, कितना फनी लगता है। और वो लोटे से मारता है कैसे, फिर उसके सर पे कैसे आके लगता है, बहुत ही मजा आया देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोग की वीडियो कैसे लगा, आप लोग मेरा रिएक्शन वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बताना, और आप लोगों के इसमें सबसे अच्छी चीज सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत बोलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।